लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। शिवसेना प्रमुख स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे की पुण्यतिथि के अवसर पर आज नवी मुंबई में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां भजन कीर्तन के बीच सांसद राजन विचारे समेत तमाम पदाधिकारियों और सैकड़ों शिव सैनिकों ने अपने श्रद्धा स्थान बाला साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजल समर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम का आयोजन नवी मुंबई शिवसेना और जिला प्रमुख विठल मोरे द्वारा किया गया था। उन्होंने श्रद्धांजलि समारोह को स्वर्गीय बाला साहेब के विचारों को आगे बढ़ाने का जरिया बताया और उनके लिए श्रद्धा सुमन समर्पित किया। देखिए रिपोर्ट। तस्वीर में दिख रही यह रोशनाई और भजन कीर्तन कार्यक्रम शिवसेना प्रमुख स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि कार्यक्रम का नज़ारा है। वासी के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर आयोजित इस कार्यक्रम में आज सैकड़ों शिव सैनिकों ने अपने दिवंगत नेता और आराध्य की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। जिला प्रमुख विठल मोरे और नवीनबई शिवसेना द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सांसद राजन विचारे समेत कई स्थानीय नेताओं ने स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे को श्रद्धा सुमन समर्पित किया। यहां देखने वाली बात यह रही कि घनघोर बारिश के बाद जहां चबूतरे पर अंकित रंगोली बह गई, वहीं साहेब और हिंदू हृदय सम्राट शब्द जस के तस पड़े रह गए। इस अवसर पर जिला प्रमुख विठल मोरे ने कहा कि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने हमें हिंदुत्व के जरिए सत्ता और सत्ता के जरिए हिंदुत्व के संरक्षण का जो मंत्र दिया है, आज उसी का फल है कि उद्धव ठाकरे की सरकार महाराष्ट्र में सत्ता में है। उन्होंने समारोह को बाला साहब ठाकरे के विचारों को आगे बढ़ाने का जरिया बताया। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। अनेक लोकाना शिवतीर्थावरती दर्शनासाठी जाता येत नाही आणि म्हणून गेल्या 6 वर्षापासून आम्ही या ठिकाणी वंदनीय शिवसेना प्रमुखांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी, त्यांच्या चरणी नतमस्तक होण्यासाठी या वाशीमध्ये आम्ही शिवाजी चौकामध्ये संपूर्ण नवीनबईच्या शिवसेनेच्या वतीनं या ठिकाणी आम्ही श्रद्धांजलीचा कार्यक्रम त्यांना या ठिकाणी सुमन वाहून त्यांचं पूजन करतो आणि त्यांच्या विचारांची जोपासना करण्यासाठी सर्वांना या ठिकाणी संधी मिळावी म्हणून हा उपक्रम आम्ही या ठिकाणी सुरू केलेला आहे। या माध्यमातून आम्ही पाहतो की समाजातील सर्व स्तरावरती लोक या ठिकाणी कुठलाही राजकीय मतभेद न ठेवता, कुठलाही प्रांतीय मतभेद किंवा कुठला भाषिक मतभेद न ठेवता सर्वच नागरिक या श्रद्धांजली कार्यक्रमासाठी जसे शिवतीर्थावरती आपण येतो त्याचप्रमाणे शिवाजी चौकामध्ये वाशीमध्ये सुद्धा नवीनबईचे सर्वच नागरिक या ठिकाणी उपस्थित राहतात। मला एकच सांगायचं आहे की शिवसेना प्रमुखांनी त्यांच्या विचारांच्या मुसीतून जे आम्हाला घडवलं तो यावर्षी आमच्या कार्यकर्त्यांनी शिवतीर्थावरती ज्या पद्धतीने जो तिथला याचा देखावा आहे तोच शिवतीर्थाचं प्रतिनी या ठिकाणी आम्ही निर्माण केलेला आहे, जेणेकरून लोकांना शिवतीर्थावरती गेल्याचं समाधान वाटू शकेल। अनेक लोक जाऊ शकत नाहीत, त्यांची व्यवस्था या ठिकाणी आज केली आहे। Thank you.
ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।